राहुल बोले मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में। सतना में कहा एमपी को 53 अफसर चलाते हैं, इनमें एक ही ओबीसी। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के सतना जिले में राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में है, मध्य प्रदेश को 53 अफसर चलाते हैं, इनमें सिर्फ एक अफसर ओबीसी है। राहुल ने कहा मोदी और शिवराज ने हमारी सरकार चोरी की, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस सरकार अडानी के लिए काम नहीं करेगी। जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी, सबसे पहला कदम जातीय जनगणना कराएंगे, केंद्र में आते ही नेशनल जनगणना जातीय कराएंगे। मोदी का सूट करोड़ का, आपने प्रधानमंत्री मोदी को कभी दो दिन में एक ही सूट में देखा है क्या? मेरी सफेद शर्ट तो चलती है, मोदी जी 2 करोड़ का सूट पहनते हैं, उनके कपड़े रोज नए और लाखों रुपए के होते हैं। मोदी के दिमाग से जाति गायब। मोदी ने एक नए भाषण में कहा देश में सिर्फ एक जाति गरीब है, अब ना ओबीसी है, ना दलित है, ना आदिवासी है। मैंने जाति जनगणना की बात कर दी, इसलिए इनके दिमाग से जाति की बात गायब हो गई। मैंने आबादी पूछ ली तो कहने लगे देश में कोई जाति ही नहीं है। मध्य प्रदेश में 53 में से ओबीसी का सिर्फ एक अफसर है, फिर भी कहते हैं मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार है। अगर मध्य प्रदेश का बजट 100 रुपए है तो ओबीसी अफसर सिर्फ 33 पैसे पर निर्णय लेता है, मतलब आबादी 50% लेकिन भागीदारी 100 रुपए में सिर्फ 33 पैसे। इसलिए मोदी कहते हैं सिर्फ गरीब ही जाती है, सरकार एमएलए नहीं अफसर चलाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक मुझे सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग मिले। अंदाजे से कहता हूँ कि देश में 50% ओबीसी हैं। मोदी चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार चल रही है, दिल्ली मध्य प्रदेश की सरकार को सरकारी अफसर चलाते हैं। बच्चे भी अफसर बनना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एमएलए नहीं चलाते। जीएसटी गरीब जनता देती है, रोजगार बड़े बड़े उद्योगपति नहीं देता, छोटे व्यापारी उपलब्ध कराते हैं, इसलिए मोदी सरकार ने जीएसटी लगा दिया। ये जीएसटी देश की गरीब जनता देती है, पूरा पैसा अडानी अंबानी को पकड़ा देते हैं, पर अडानी पैसा अमेरिका जापान और दुबई में घर खरीदने में खर्च करता है, दिल्ली के रेस्टोरेंट में खाना खाता है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की नींव को खत्म किया, मध्य प्रदेश में जो नींव थी उसे बीजेपी ने उखाड़ फेंक दिया। नींव किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, छोटे दुकानदार और मध्यम व्यापार चलाने वाले हैं, बीजेपी ने 20 साल में इन्हें खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश में 18 साल में 18,000 किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की। मैंने किसान से पूछा कि तुम्हारे पास कितनी जमीन है, उसने कहा ये जानकर क्या करूंगा, बेचना ही नहीं। बीजेपी ने किसान को सही दाम नहीं दिया, मध्य प्रदेश में सही रेट नहीं मिलता, इसके लिए कर्ज लेना पड़ता है। मध्य प्रदेश का बजट जो है तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का है, 53 अफसर इस बजट को बांटते हैं। इस कस्बे में कितना पैसा आएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा आएगा, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए कितना पैसा आएगा, यह 53 अफसर शिवराज चौहान जी के साथ निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, मजे की बात सुनिए, मध्य प्रदेश के 53 अफसरों में से पिछड़े वर्ग का सिर्फ एक अफसर है। मोदी जी कहते हैं मध्य प्रदेश की सरकार ओबीसी की सरकार है, 53 अफसरों में से एक अफसर ओबीसी वर्ग का है। इसलिए मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का एक्सरे होना चाहिए, करा दो एक्सरे और पता लगाओ हिंदुस्तान की सच्चाई क्या है। मुझे दिख रहा है कि ओबीसी वर्ग को, दलित वर्ग को, आदिवासी वर्ग को दर्द हो रहा है, जबरदस्त दर्द हो रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया एक्सरे करा दो, पता लगा दो कि इस देश में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, और ओबीसी में कौन सी जात कितनी है। मेरा आपसे सवाल है, आपकी भागीदारी, दलितों की भागीदारी 1% से कम है क्या? आपकी आबादी 1% से कम है?
तो जितनी आपकी आबादी है उतनी आपकी भागीदारी होनी चाहिए, जितनी जितने पिछड़े लोग हैं उतनी भागीदारी उनकी होनी चाहिए। अब भैया मुझे बताओ, मध्य प्रदेश में पिछड़ों को 53 अफसर में से एक अफसर मिला है, 100 रुपए में से 33 पैसे ओबीसी अफसर खर्च करते हैं, निर्णय लेते हैं। क्या ओबीसी की आबादी 0.3% है मध्य प्रदेश की? क्या नहीं? मैं आपको आज बता रहा हूं कि ओबीसी की आबादी कम से कम 50% 55% है। अगर आपकी आबादी 55% है तो सरकार चलाने में आपका सिर्फ एक अफसर क्यों? अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।